हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो डॉलर इंडेक्स में अगर हम देखें, जो ट्रेंड लाइन है इसने आज बहुत सपोर्ट दिया है हमें, बहुत हेल्प करी है इसने। और ये जो हमारा लेवल था रेसिस्टिव लेवल 101.661, इसने भी मार्केट को बहुत होल्ड करके रखा है। मार्केट को इससे नीचे जाने ही नहीं दिया, सर्वाइव ही नहीं करने दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा ट्रैप हुई है, मार्केट ने इससे ऊपर जाने की कोशिश करी है, लेकिन फिर से मार्केट वापस नीचे आ गई है। तो सर फिर से मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करी, फिर से मार्केट नीचे आ गया, लेकिन हमारे जो सपोर्ट लेवल था उसको तोड़ नहीं पाई है। और ये मार्केट ने फिर से अपसाइड का मूवमेंट दिया, हमारा फर्स्ट टारगेट हिट किया। इसके बाद देखिए, अगर आप नोटिस करेंगे, ये चीज़ें हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ऑलमोस्ट हर वीडियो में जहाँ पे मुझे ये चीज़ें नजर आती हैं मैं आपको बताती रहती हूँ। तो आप नोटिस कीजिए, यहाँ पर देखिए मार्केट क्या कर रही है। लॉन्ग विक कैंडल दे रही है हमें, यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ी है, यहाँ पे भी ऊपर की तरफ बढ़ी है, यानी कि हमें वीकनेस अभी भी नजर आ रही है। क्योंकि यहाँ पर मार्केट देखिए ऊपर जाकर वापस गिरी है, यहाँ पे मार्केट ऊपर जाकर वापस गिरी है, यानी कि यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रखा था, तभी मार्केट हमें स्ट्रेंथ के साथ एक अच्छा मूव नहीं दे रही थी। यहाँ पे मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें दी है, ऊपर की तरफ मार्केट ने ब्रेकआउट भी लिया है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल देखिए फिर से एक छोटी कैंडल बन गई है। मार्केट ने देखिए ज्यादा अब ऊपर की तरफ इसको सस्टेन ही नहीं किया, करने दिया। उसके बाद ये जो डोजी कैंडल है इसने और ज्यादा कंफर्म कर दिया कि अभी जो वीकनेस है ये अब इसका कंफर्मेशन हो चुकी है, वीकनेस आ चुकी है। और ये जो रेड कैंडल है इसने हमें एक और इंडिकेशन दे दिया कि अब मार्केट बहुत स्ट्रांगली गिरने वाली है। तो ये जो तीन कैंडल्स का पैटर्न है ये आपने पहले भी देखा होगा, पिछली वीडियोज में भी नोटिस किया होगा, ये हम ऑलमोस्ट हर वीडियो में जहाँ पे मुझे ये नजर आता है पैटर्न ये मैं आपको बताती होती हूँ। तो ये जो तीन कैंडल्स का पैटर्न है बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, और ये जो है बहुत स्ट्रॉन्ग मूव हमें देता है। आप देख सकते हैं इसी कैंडल के बाद हमें कितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एक बेयरिश कैंडल देखने को मिली है। और तो मार्केट नीचे की तरफ सस्टेन नहीं कर पाई है, क्योंकि यहाँ से कि मार्केट काफी बारी ऊपर की तरफ ब्रेक करने की कोशिश कर रही है, यानी कि मार्केट के पूरे प्लान है ऊपर जाने के। आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। और अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो पीक है इससे ऊपर ये वाली पीक बनी है, इससे ऊपर ये वाली पीक बनी है, यानी कि मार्केट पूरी कोशिश में है कि मार्केट ऊपर की तरफ लेकर जाए, लेकिन उसके बाद भी ये पैटर्न की वजह से मार्केट जो है नीचे की तरफ गिरी है, सस्टेन नहीं कर पाई है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ऊपर जाने की कोशिश मार्केट पूरी तरह से कर रही है। और अब यहाँ पे देखिए मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हमें दी है, और स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के बाद मार्केट फिर से ऊपर की तरफ बढ़ रही है। तो इस तरह से जो है स्टोरीज बनती है कैंडल्स की, कि मार्केट किस तरह से मूव कर रही है, किस तरह से मूव कर सकती है। कैंडल्स हमें काफ़ी, कैंडल्स का स्ट्रक्चर हमें काफ़ी एक व्यू दे देता है मार्केट का, कि मार्केट किस तरह से काम कर रही है या कर सकती है। अभी देखिए मार्केट यहाँ पर आ चुकी है, यहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिला है, तो ये भी फिर से हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, एक तरह का ये हमारे लिए डिसिसिव लेवल भी कहलाएगा, ठीक है। तो अगर ये डिसिसिव लेवल टूटेगा तो हम बाई साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, अदरवाइज सेल साइड की बात करें तो सेल साइड के लिए जो हमारा डिसिसिव लेवल रहेगा वो रहेगा 101.796। इसके अलावा बाकी सभी लेवल्स को हम ग्रीन मार्क कर देंगे। अगर तो मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ती है तो मार्केट हमें फर्स्ट टारगेट देगी 101.953, 102.036, 102.159, ये हमारे बाई साइड के ट्रेड रहेंगे। और इनकेस अगर मार्केट सेल साइड पर ट्रेड एक्टिवेट करती है तो फर्स्ट टारगेट मार्केट हिट करके देगी हमें 101.661, 101.662, और उसके बाद ये ट्रेंड लाइन हमें फिर से सपोर्ट दे सकती है। कल इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है, यूएस का डाटा है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर का भी डाटा है, तो हम यूएस का डाटा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बाकी सारा डाटा आप हमारी डाटा एनालिसिस की वीडियो में डिटेल में समझिएगा कि किसका इम्पैक्ट कहाँ पर कितना स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल सकता है। तो ये डॉलर इंडेक्स के लेवल्स आप मार्क कर लीजिए, साथ ही हम बात करते हैं XAG USD की, गोल्ड की बात करते हैं, सॉरी XAU USD की बात करते हैं, सिल्वर हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो गोल्ड में अगर हम बात करें तो देखिए मार्केट ने किस तरह का हमें स्ट्रॉन्ग मूव दिया है यहाँ पर। तो यहाँ से देखिए मार्केट ने मेरे सेल साइड का ट्रेड एक्टिवेट करके दिया, फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट हिट किया, यहाँ से ऑल्दो थर्ड टारगेट भी हिट कर लिया मार्केट ने। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से अपसाइड का मूव लिया, बाई साइड का ट्रेड एक्टिवेट किया, बाई साइड का ट्रेड एक्टिवेट करते ही फर्स्ट और सेकंड टारगेट मार्केट ने यहाँ से हिट किया। उसके बाद यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सेल साइड का मूव आया, यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे की तरफ मार्केट गिरी है और कॉन्टिन्यूसली मार्केट स्ट्रॉन्गली यहाँ पर मार्केट जो है नीचे की तरफ गिरी है। हम यहाँ पर देख सकते हैं डिसिसिव लेवल जैसे ही ब्रेक हुआ मार्केट ने सेल साइड का स्ट्रॉन्ग मूव दिया और मार्केट कॉन्टिन्यूटी में नीचे की तरफ गिरी है। तो ऑब्वियसली बात है अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो गोल्ड ने नीचे गिरना ही था, और सेम चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिली है। तो हम बात कर लेते हैं कल के लिए, तो अगर कल की बात करें तो सबसे पहले डिसिसिव लेवल हम मार्क करते हैं, वहाँ पास एक डिसिसिव लेवल रहेगा 2485 का, इसको हमने थोड़ा सा ड्रा करके नीचे की तरफ शिफ्ट किया है क्योंकि यहाँ पर हमें एक सपोर्ट देखने को मिल रहा था दो कैंडल्स का, और यहाँ पे इस विक ने भी सपोर्ट लिया है। अपसाइड के लिए 2490 आप मार्क कर सकते हैं डिसिसिव लेवल। अगर मार्केट ने सेल साइड का ट्रेड एक्टिवेट किया तो फर्स्ट टारगेट रहेगा 2480,
2474-2469 थर्ड टारगेट, और इन केस अगर मार्केट बाय साइड मूव करती है तो 2493-2496 और 2500 ये हमारे रहेंगे बाय साइड के रेट्स। इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं सिल्वर की और XAG USD की बात कर लेते हैं। इसमें देखिए सेल साइड का स्ट्रॉन्ग हुआ है क्योंकि डॉलर इंडेक्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हुआ था, अपसाइड पे गया था, ठीक है। और ये जो ट्रेंड लाइन है देखिए मार्केट इसको ब्रेक करने की कोशिश करी है, लेकिन आप वॉल्यूम को देखेंगे तो बहुत ही नेग्लिजिबल वॉल्यूम है, बहुत ही वीक वॉल्यूम है। इस वॉल्यूम की वजह से मार्केट इसको सपोर्ट नहीं कर पाई और इसलिए मार्केट अभी नीचे की तरफ गिरी है। तो ट्रेंड लाइन के होने की वजह से भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला है। ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, इस तरह से सेट करके देखते हैं कि जहां से मार्केट मल्टीपल टाइम्स हमारे जो कैंडल्स है उसको हिट कर रही हो, टच कर रही हो, ठीक है। अब हम यहाँ पे रखते हैं इसको, यहाँ से देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ। अगर आप इसको वीक टू वीक रखते हैं तो वो भी देख लेते हैं, वीक टू वीक रखकर देखते हैं इसको। पहले वीक टू वीक भी हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, अगर हम बॉडी टू बॉडी रखते हैं तो बॉडी टू बॉडी भी हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल ही रहा है। आप देख सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहा है, ठीक है। तो मार्केट ने अपसाइड पे ब्रेक करने की कोशिश करी लेकिन मार्केट ब्रेक नहीं कर पाई ऊपर की तरफ और मार्केट स्ट्रॉन्गली नीचे की तरफ गिरी है। तो अब हम बात करते हैं कि कल क्या मूव रह सकता है। कल के लिए सबसे पहले डिसेसिव लेवल्स को मार्क करते हैं। हमारा 27.97 एक तो हमारा बाई साइड का डिसेसिव लेवल रहेगा, सेल साइड के लिए 27.90 हमारा डिसेसिव लेवल रहने वाला है। 27.90 अगर ब्रेक होता है तो 27.80, 27.70, 62 और 56 हमारे सेल साइड के ट्रेड रहेंगे। बाई साइड पे ट्रेड एक्टिवेट होता है अगर तो 28.05, 28.15 और ये ट्रेंड लाइन हमारा लास्ट टारगेट रहेगी। तो इसको आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पर। और सिल्वर MCX की भी बात कर लेते हैं हम। सिल्वर MCX में अगर हम नोटिस करें देखिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिली है तो यहाँ से बाय का ट्रेड तो हम ले ही नहीं सकते थे। साथ के साथ इसने जो हमें एक जो हमारा डिसेसिव लेवल था, लोअर डिसेसिव लेवल था, उसके नीचे हमें इसने क्लोजिंग और ओपनिंग दी है, ठीक है। इसके बाद हमारे यहाँ पे एक और सेल साइड का ट्रेड एक्टिवेट हुआ, एक डोजी बना, फिर से बुलिश कैंडल बनी, मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ गई है लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएटेड था इसलिए मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई। और उसके बाद फिर से यहाँ पर हमें ये तीन कैंडल्स का पैटर्न देखने को मिला है, आप नोटिस कर सकते हैं ये तीन कैंडल्स। और इस कैंडल इन तीन कैंडल्स के बाद आप नोटिस कीजिए देखिए मूव कितना स्ट्रॉन्ग आया है, मार्केट कितना स्ट्रॉन्गली नीचे की तरफ गिरी है। तो ये जो पैटर्न है बहुत अच्छे से काम करता है मार्केट में, बहुत फ्रूटफुल पैटर्न है। इसको जहाँ पे भी आप नोटिस करो थोड़ा सा और इसमें नोटिस कर लेना कि वॉल्यूम किस तरह से रिस्पॉन्स दे रही है। अगर वॉल्यूम आपको सपोर्ट करती है तो मार्केट काफ़ी अच्छे से जा सकती है, अदरवाइज भी इस जो पैटर्न है वैसे भी हमें बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। बाकी लेवल्स की बात करते हैं तो दो डिसेसिव लेवल्स रहेंगे 83.100-83.3। अगर मार्केट सेल साइड का ट्रेड एक्टिवेट करती है तो 82,782, 82,568 और 82,216 ये हमारे सेल साइड का ट्रेड रहेंगे। और बाई साइड में अगर ट्रेड एक्टिवेट होता है 83,311 को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो 83,465, 83,760, 83,913 और 84,107 हमारे ट्रेड्स रह सकते हैं। इसके साथ ही हम बात करेंगे अपने डाटा की जो कल हमें इम्पैक्ट दे सकता है, डॉलर इंडेक्स पे स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट दे सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने कोई ट्रेडिंग शुरू नहीं करी है तो आप अपना ट्रेडिंग शुरू कीजिए, अपने फॉरेक्स में ट्रेडिंग करके देखिए। अगर आपको डर लग रहा है तो आप AUD USD में ट्रेड कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, आपको ईजी रहेगा। AUD USD एक छोटा करेंसी पेयर है जिसमें ज़्यादा आपको फंड्स की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। और ये चलता अपोजिट आपके आपके DXY के अगेंस्ट है, यानी कि डॉलर इंडेक्स के अपोजिट चलता है ये। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। AUD USD में आप ट्रेड शुरू कर सकते हैं अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड शुरू करना चाहते हैं और आपको डर लग रहा है ट्रेड शुरू करने से पहले। और कहाँ से आप करेंगे इसके लिए, आप एक्सेस में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रखा है, आप वहाँ से क्लिक करेंगे तो आप वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे जहाँ से आपने डायरेक्टली सिर्फ अकाउंट ही ओपन करना है। अकाउंट किस तरह से ओपन करना है और फंड्स किस तरह से ऐड और विड्रॉ करने हैं उसकी वीडियोस भी हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, लेकिन फिर भी अगर आपको चैनल पे नहीं मिलती है तो हम उसको एंड स्क्रीन पर ऐड कर देंगे, आप वहाँ से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। और इन वीडियोस को साथ के साथ देखते जाइए और साथ के साथ अपने अकाउंट को ओपन करते जाइए, आपको बहुत ईजी रहेगा और आपका ट्रेड भी शुरू हो जाएगा। हम बात करते हैं डाटा की।
तो ये कल मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर का भी डाटा आ रहा है, यूरोप का भी डाटा आ रहा है और यूएस का भी डाटा आ रहा है। तो ये सारा का सारा डाटा हमने डिटेल में डिस्कस किया है अपनी अपनी डाटा एनालिसिस की वीडियो में, लेकिन यहाँ पर हम वो डाटा डिस्कस कर रहे हैं जो कि डॉलर इंडेक्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाल सकता है। फॉरेक्स सॉरी फोरकास्ट भी फिगर्स हैं, ये प्रीवियस फिगर्स हैं। और जॉब ओपनिंग्स का डाटा आ रहा है। जॉब ओपनिंग्स का मतलब क्या होता है कि कितनी ज़्यादा जो जॉब है वो मार्केट में ओपन हो रही है, अवेलेबल हो रही है लोगों के लिए। तो जितनी ज़्यादा यहाँ पर जॉब्स ओपन होंगी, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि उतनी ही ज़्यादा लोगों की डिमांड है मार्केट में काम करने के लिए, यानी कि काम बढ़ रहा है। अगर कोई फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में काम बढ़ रहा है, इसीलिए लेबर की डिमांड है, ठीक है ना। अगर कंपनी में काम बढ़ रहा है, इसीलिए उनके ऑफिसेज में जो है लोगों की डिमांड है। तो अगर काम बढ़ रहा है यानी कि कंट्री ग्रो कर रही है, कंपनीज ग्रो कर रही है, कंपनी ग्रो करेगी, कंट्री ग्रो करेगी, तो उसकी वजह से उसकी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। और अगर इकोनॉमी ग्रो करेगी तो उस कंट्री की, उस इकोनॉमी की करेंसी भी ग्रो करेगी। तो इस केस में डॉलर इंडेक्स हमें ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ गया तो गोल्ड और सिल्वर XAUUSD और XAGUSD, ये दो है हमारे गोल्ड और सिल्वर, ये ऑपोजिट जाएंगे। देखिए ऑपोजिट क्यों जाते हैं, जो हमारा गोल्ड और सिल्वर है ये एक तरह का सेफ हेवन माना जाता है इन्वेस्टमेंट्स के लिए, क्योंकि इसमें जो है हमारी कैपिटल जो है सेफ रहती है। लेकिन अगर हमें कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम ऑब्वियसली बात है उसमें इन्वेस्ट करने की प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि XAUUSD में गोल्ड और सिल्वर में हमें इंटरेस्ट नहीं मिलता, उसकी वजह से यहाँ से जो रिटर्न है वो थोड़े से कम रहते हैं। लेकिन अगर इसके लेकिन हमारी कैपिटल यहाँ पे सेफ रहती है, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि गोल्ड और सिल्वर में हमारी कैपिटल सेफ रहती है। लेकिन अगर हमें थोड़े टाइम के लिए कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा जहाँ से हम बड़ी क्विकली अच्छा मार्जिन निकाल सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, तो ऑब्वियसली बात है हम वहाँ पे शिफ्ट करेंगे। तो अगर डाटा पॉजिटिव आता है जिसकी वजह से हमें पता है कि डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ बढ़ेगा, तो हम क्या करेंगे, हम गोल्ड और सिल्वर में से पैसा निकाल के डॉलर इंडेक्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। इससे क्या होगा, गोल्ड और सिल्वर की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, डॉलर इंडेक्स की डिमांड बढ़ जाएगी। डॉलर इंडेक्स की डिमांड बढ़ेगी अगर, तो ये और ज्यादा ऊपर की तरफ जाएगा और गोल्ड और सिल्वर और ज्यादा नीचे की तरफ गिरेगा। तो इन रीजंस की वजह से ये दोनों जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या रीजन है, किस चीज़ का मूवमेंट किस चीज़ की वजह से क्यों आता है, और इंटरनेशनल मार्केट में करेंसी पेयर्स जो है वो किस तरह से काम करते हैं, कॉमोडिटीज जो है वो किस तरह से काम करती है। तो इन चीज़ों को आप समझिए और उसके बाद अपने ट्रेड्स को खुद प्लान करने की कोशिश कीजिए। बाकी लेवल्स हम आपको यहाँ पर डेली डिस्कस करते ही हैं कि कौन से लेवल पर आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिल सकता है। साथ ही डाटा एनालिसिस भी हम आपको रोज के रोज देते हैं ताकि आपको पता चल सके कौन से टाइम फ्रेम पर कौन सा डाटा आ रहा है, ताकि आप एक बढ़िया ट्रेड प्लान कर सके। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन पे क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलेगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम प्रॉफिट्स अर्न कीजिए। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।